हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो है रामपुर मनियारन से दिल्ली की तरफ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस रोड पे आज क्या क्या देखता है, क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या नया एक्सप्लोर हम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और अभी रीडिंग ऑन जीरो पे है। अभी आप टाइम देख सकते हैं 3:21 है और 21 फरवरी थर्सडे। आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डाकखाने के सामने, फिर लेफ्ट में डाकखाना रामपुर मनियारन का शहरी पुल का जाम। अपने एक भाई को पसंद आया था कि रामपुर मनियारन को एक्सपोज किया था हमने, यहाँ के नाम लिया था, तो थोड़ा इसको आज एक्सपोज करते हैं। लोग दूर चले जाते हैं लेकिन यादें तो जुड़ी रहती हैं। ये हमारे लेफ्ट में रामपुर मनियारन की कोतवाली, और राइट साइड में इसकी मार्केट, यहाँ का बस स्टैंड। कितना खुला खुला आसमान है यहाँ पे, कितना क्लियर इसमें यहाँ पे क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। ये आ गई हम ननोता की क्रॉसिंग पे। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो देवबंद, राइट साइड में गंगो, बैक साइड में हमारा सहारनपुर और फ्रंट की साइड में बड़ौद बागपत होते हुए शामली होते हुए दिल्ली। ये ननोता, अरे 5-5 जडम्पर निकल तो गए आगे, इनको ओवरटेक कैसे किया जाएगा। ये आ गए हम जलालाबाद। यहाँ की एक चीज़ मैं नोटिस की जो कि अच्छी लगी, ये आप लेफ्ट में देखेंगे इधर ये शौचालय बना हुआ है। ये मैं रामपुर से यहाँ तक नोटिस किया, मुझे कहीं नहीं मिला। अभी अच्छी चीज़ लगी कि एमरजेंसी में पर्सन यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, ये होना चाहिए एटलीस्ट जो रोड पर चल रहे हैं पब्लिक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये अपना जलालाबाद का क्रॉसिंग पुलिस चौक की, ये पहुंचे जी हम थाना भवन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है चरथावल होते हुए मुजफ्फरनगर जाएगा। अरे रुक जा भैया, ट्रक वाले भैया कहते हमको निकलने दो। राइट साइड में हमारे मिल, बजाज शुगर मिल। दोस्तों लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया गेट इन शामली, ये देखिए लेफ्ट साइड में इंडिया गेट का डमी बनाया हुआ है लेकिन लुकिंग ग्रेट। हम शामली में एंटर कर गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अपने शहर शामली को नंबर 1 बनाना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शामली को पार करना भी एक चैलेंज है। तो भाई का हेलमेट समझ नहीं आया, हेलमेट उसने रखा है, पहना है, क्या करा है। दोस्तों अभी क्रॉस कर रहे हैं हम शामली लिलोन, टाइम हुआ है 4:35। तो आइडिया लगा सकते हैं कि रामपुर से यहाँ तक 47.9 किलोमीटर हम 1.5 घंटे में कवर करा है हमने। चलिए और आगे चलते हैं, अभी तो जर्नी काफ़ी लंबी है। कैसे कैसे ऐड लगाते हैं, इस पर लिखा है मुझ जैसी मेरी अपनी पताका। So, ऐसा है। ये पहुंचे जी हम कांदला और टाइम हुआ है 4:56।
59 किलोमीटर हो गए यहाँ तक। तो मैं आपको साथ साथ जो है टाइम और डिस्टेंस बताता चल रहा हूँ, जिससे इस रूट का आइडिया लग जाए। आगे देखते हैं कि कुछ काम इस पे चल रहा है नहीं चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का। आज फिर आ गया हूँ फिर से ककड़ीपुर, फिर से पेंट हो गया नया। आदर्श ग्राम ककड़ीपुर कला उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में अच्छे है। फाइनेंस हुआ है पेंट, ये फाइनेंस। भाई साहब यहाँ से जो है आपका लेफ्ट और राइट में आप देख रहे होंगे सड़क जो क्लीन की हुई है लेफ्ट राइट से बनने के लिए, ये यहाँ से शुरू हो रही है। मैं रामपुर से देखता आ रहा हूँ यहाँ के, देखिए ये मैं लास्ट वीडियो शेयर की थी आपके साथ में दिल्ली सहारनपुर रोड ट्रिप के नाम से, जिसमें आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला। जब वो वीडियो बनाई थी पब्लिश की थी उस टाइम यहाँ पर काम नहीं हुआ था कुछ भी। देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें, जैसे जैसे भी अपडेट जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये गड्ढे भी दिखाऊंगा, ये तो बहुत मामले सा गड्ढा है। बने रहिए साथ में। ये आगे जी हम रमाला थाना रमाला जनपद, ये आगे बावली प्लांट पर काफी मटेरियल आ गया। दोस्तों ये पहुंच गए हम बड़ोत, टाइम हो रहा है 5:32 और डिस्टेंस कवर किया है हमने 86.2 किलोमीटर। ये लो दोस्तों जी हम भी एक नए रास्ते पे चलते हैं। ये है बड़ोल से गुफा वाले मंदिर की तरफ। यहाँ लेवल हो गया है कम से कम इतना हो गया कि चलने लायक है, मैं कुछ चल रहा हूँ इसपे। ये राइट साइड में देखेंगे रोड वगैरह खड़े हैं यहाँ पे। सबकी तरफ से गुफा वाले बाबा को जय, यात्रा सफल करना बाबा। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अभी उस टाइम इस पर मिट्टी का काम चल रहा था, अभी यहाँ रोड़े वगैरह फूट गए हैं। एक प्लांट बावली के पास लगा हुआ था सड़क बनाने के लिए और एक यहाँ पे बागपत में लगा हुआ है, यहाँ पे मेटेरियल का प्लांट लगा है। ये यहाँ के गड्ढे हैं, इन गड्ढों से बेटर है कि हम नई बनी वाली सड़क पे चलें। कंप्लीट वो भी नहीं बनी लेकिन एटलीस्ट जो है पहले से बेटर है। ये पहुँच गए हम गोरेपुर मोड़, लोन दिल्ली 44 लोनी 28, थोड़ा दिल्ली दूर है अभी थोड़ी सी। गोरीपुर के पास में एक काम चल रहा है यहाँ पे, डंपर ट्रक खड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक काम इधर
कहा था गया हुआ है कंस्ट्रक्शन का काम। ये पहुंच गए हम बागपत चौराहा, टाइम हुआ है 6:10 और किलोमीटर कवर हुए हैं 104 रामपुर मनियारन से। रोड की कंडीशन तो ख़राब है लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक ना चले। इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक बढ़ गया है, इवन पंजाब और राजस्थान के ट्रक भी अब इसी रास्ते जाने लगे हैं जिस वजह से स्पीड नहीं बन पाती है। एक ट्रक ये साइड लगा, एक लेफ्ट में खड़ा है और एक इसके आगे जा रहा है। बागपत के पास भी सड़क पे काम चलना शुरू हो गया, देखिए लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये यहाँ पे इसका प्लांट बनाया है, मेटेरियल प्लांट लेफ्ट साइड में। लीजिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हुआ है 6:20 और किलोमीटर कवर हुए हैं 112। बने रहिए साथ दिल्ली तक, अकेले सफर काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लीजिए दोस्तों, दिल्ली आगमन पर PWD आपका हार्दिक स्वागत करता है। लीजिए दोस्तों, दिल्ली पहुंच गए और टाइम हुआ है 7:13 अप्रोक्स 4 घंटे के आसपास लगे हमें। कवर किया है 134 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर किया हमने 134 किलोमीटर इन 4 आवर्स में। लेकिन इतना टाइम लगने का रीजन ओनली रोड नहीं है, ठीक है रोड की कंडीशन भी थोड़ी सी खराब है लेकिन साथ साथ इसमें ट्रैफिक भी है कि काफी ट्रैफिक बढ़ चुका है। इवन चंडीगढ़ और राजस्थान के ट्रक भी इसी रास्ते से निकलते हैं तो हैवी ट्रैफिक है, उसका फर्क पड़ा। दूसरा, पीक आवर में दिल्ली में एंटर करने में मुझे लोनी क्रॉसिंग का 200 मीटर का एरिया अप्रोक्स 1.5 घंटा लगा कवर करने में, तो काफी रश था यहाँ पे। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको वीडियो जैसी लगी हो बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी आप कमेंट्स करके बताइए क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। जो लोग चैनल पर नए हैं उनके वीडियो के राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन है, उसे प्रेस करें बिना ना जाएं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइबर के बराबर में एक घंटे का बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए, उससे ये होगा कि जब मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।